नमस्कार, द पब्लिक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अभी हम लोग APMC मार्केट में, अभी आप देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँ कि पूरा दिखाए। अमूमन नॉर्मल दिनों में पूरा यहाँ पर इस एरिया में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, और ये पूरा एक होलसेल मार्केट है, यहीं से माल सप्लाई होती है। तो जैसा अभी सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है कि खाने पीने का जो भी सामान है उसकी सप्लाई नहीं रुकेगी, तो यही जानने के लिए आज हम लोग APMC मार्केट में आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि अभी प्रिकॉशन क्या ले रहे हैं, क्या कुछ खाने पीने का सामान में सप्लाई में दिक्कत हो रही है बाहर से, या फिर एक्सपोर्ट करने में, या फिर लोकल सप्लाई में कोई APMC मार्केट में कोई दिक्कत आ रही है। बात ऐसा है कि जनरली स्टार्टिंग से ही एक तो गिरावट है नहीं, शांति जैसा माहौल है, क्योंकि ये डीमार्ट है, मॉल है, वो इसकी वजह से मार्केट एकदम शांत हो गया है। जान नहीं रहे, बोलते ना जिसमें जान होनी चाहिए बिजनेस में, वैसा कोई जान है ही नहीं। और दूसरा ये कोरोना का जो वायरस है, इसकी वजह से तो एकदम स्टॉप हो गया है। मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गया एकदम शांति है। आज कुछ तो थोड़ा बहुत छूट मिला है, जो माल है वो हम बेच चुके हैं, अब हमारे पास भी माल नहीं है, ग्राहक लोग आ रहे हैं, पब्लिक को खाना तो लगेगा ना, तो वो हिसाब से चल रहा है। बाकी एकदम शांति का माहौल है, कुछ है नहीं। पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी थोड़ा टाइम दिया है 3-4 घंटे का, चल रहा है, शांति चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब आप बोल रहे हैं कि APMC मार्केट आज ही खुला है क्या? ऐसा तो कल भी छोड़ो, मतलब 2-4 घंटे का छूट दिया था ऐसा एकदम, क्यों? ये अनाज है, अनाज नहीं रहेगा तो पब्लिक की हालत क्या होगी, वो हिसाब से छूट दिया था। आज सुबह समझो ना 10-11 बजे से स्टार्ट हुआ रहे, तो अभी पोजीशन ऐसी है कि अभी माल है नहीं किसके पास, और जो मैंने बाहर गांव से जो गाड़ियां आई है वो भी 5-5 दिन से अनलोड हुआ नहीं है, तो उसके लिए खास करके इंतजाम किया है। मतलब अभी आगे क्या तो ये बोला जा रहा है कि खाने पीने का सामान पे कोई भी रुकावट नहीं, आपको ऐसा लगता है कि बाहर से सामान अभी नहीं आ रही है? बाहर से सामान बोलेगा तो गाड़ियां आ चुकी है, 4-4 दिन से गाड़ियां खड़ी है, तो आज वो अनलोड हो रही है, लेकिन आगे क्या होएगा कुछ अभी प्रोसीजर कुछ नो आइडिया। अच्छा, मतलब बाहर से गाड़ियां आ चुकी हैं, आज अनलोड हो रही हैं, कम से कम समझो ना 4-5 दिन हो गए हैं, शांत है एकदम, कुछ भी नहीं माल, समझो बाहर से गाड़ियां आ गई है, 5 दिन हो गया, उनको भी खाने का एकदम वादा हो गया था, वो भी उनका भी व्यापारी लोगों ने मिल के उनके लिए भी एक, अभी बाहर से जो पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, कहीं कहीं से गाड़ियां आ रही है, ड्राइवर लोग को खाने के लिए चाहिए, तो वो सब जितने भी है ना व्यापारी मिलके उनको खाने के लिए इंतजाम कर दिया है। अभी आज उनके लिए गाड़ियां अनलोड हो रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। आपका नाम? मनजी भाई पटेल। मनजी भाई पटेल साहब जी, देव अनि भाई एक बात बताइए, अभी होलसेल मार्केट है APMC, और उसको बोला जाता है कि एशिया का सबसे बड़े मार्केट में नाम आता है, तो क्या अभी राज्य सरकार जो बोल रही है कि अभी सप्लाई हो रही है, तो क्या ऐसा सप्लाई होने में यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, सप्लाई दिक्कत नहीं हो रही, सप्लाई आ नहीं रही बाहर से, कारण कभी आ रही है तो अंदर कोई वर्कर लोग नहीं है, तो क्या कोई वर्कर लोग नहीं है तो काम पे बहुत दिक्कत आ रही है व्यापारी लोग को, काम करने का, व्यापारी गिरा कस्टमर को देने का, मगर वर्कर ही नहीं है, तो सदा माल रहेगा तो हम लोग क्या पब्लिक को दे, पब्लिक भी कम आती है, क्योंकि APMC मार्केट है तो मेन गाड़ी अंदर से बाहर का गेट बंद रहता है, क्योंकि एक पब्लिक छोड़ता है, तो वर्ल्ड की एशिया की फर्स्ट नंबर मार्केट है, तो उसमें पब्लिक कम आ रही है, नहीं तो माल तो हम लोग स्टॉक अंदर रहता है, गाड़ी कम आ रही है, वर्कर लोग कम है, इसके लिए थोड़ा तकलीफ पड़ रहा है, ऐसा कुछ दूसरा तकलीफ नहीं है ऐसा। अच्छा, अब जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर माल तो आ रही है लेकिन यहाँ पर काम करने वाले वर्कर नहीं है, तो जिसके वजह से माल अनलोड नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि न्यू बॉम्बे में अभी सप्लाई होने में दिक्कत आएगी यदि ऐसा सिचुएशन है तो? नहीं, दिक्कत नहीं आएगी, अभी क्या एक दो दिन व्यापार लोग भी संगठन है चालू हो जाएगा, अंदर से भी चालू हो जाएगा, मगर एक ही हम लोग का क्या, जो कस्टमर वर्कर लोग बाहर निकल गए गांव की ये हुए, तो भी क्या बाहर स्टके रहता है, गुजरात के रहते चले गए, तो वापस अभी आ नहीं सकते, तो उतना थोड़ा दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है, होता रेगुलर चल रहा है। तो जैसा आपको बताया कि APMC मार्केट में सिर्फ खाली लोग काम नहीं कर रहे और है नहीं है, जिसकी वजह से अनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई सामान की दिक्कत नहीं आएगी ऐसा यहाँ पर व्यापारी बोल रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि कुछ जो हमें खबर लगा, पता नहीं सच है या झूठ है, कि काला बाजारी हो रही है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है?
नहीं काला बाजार इधर इधर एपीएमसी मार्केट में कोई नहीं हो रही है, कारण कि हमारा इधर भाव बांधा रहता है, रिजनेबल रहता है। और जो हमारा माल आता है कंपनी आइटम जितना है वो कोई सप्लायर है नहीं, और जो आयो वो भी बिक रहे। और किराना का जो दाना मतलब तुअर दाल परचेस काजू है ड्राई फ्रूट है वो भी कोई माल नहीं आ रहा आएगा। हम लोग के इधर कोई काला बाजार कोई भी दुकान पर आप किसी को कस्टमर को भेजो काला बाजार नहीं मिलेगा आपको, भले चाहे महंगा एक दो रुपये महंगा बेचेगा, काला बाजार का कोई मतलब काला बाजार नहीं हो रही है। अच्छा जनरली आप यहाँ पर ऐसा शांत माहौल आप अपने लाइफ में कभी देखे थे ऐसा जैसे अभी आप चल रहा है? क्योंकि ये तो पहली बार देख रहा है, मेरे तो भीड़ इतना रहता है, सुबह 9:30 बजे हम लोग ओपन करते हैं, बाकी शाम को 9:30 बजे इधर चलने का आपको जगह नहीं मिलता है, इतना इतना भीड़ रहता है। अभी तो क्या एक एक पब्लिक आती है कोई नहीं आती है, और अभी डिस्टेंस भी रखना पड़ता है, हम लोग भी सोच संभालना पड़ता है, वर्कर लोग को भी संभालना पड़ता है। तो अभी कोई भीड़ ही नहीं है, कुछ नहीं है, उसके समुता जी 5 पैसे का धंधा भी 10 पैसे ऐसा कुछ नहीं है, कोई धंधा पानी सब बंद हो गया। तो कोरोना से जो भारत सरकार ने और सरकार ने जो डिसीजन लिया है तो इससे आप सहमत हैं? 100% सहमत है। जो मोदी साहब ने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, राज्य सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने लिया, उसमें पब्लिक हम व्यापारी संगठन है व्यापारी लोग 100% सहमत है, क्योंकि उसके वजह से तो अपना जीवन है, जान है तो जान है, जो तो सहमत सहमत 100% सहमत है। तो जैसा आपने सुना कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है अपना फाइट अगेंस्ट कोरोना, तो इसमें व्यापारी और आम जनता सपोर्ट कर रही है, जान है तो जान है। अब आइए हम और जो दूसरे व्यापारी हैं उनसे मिलते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ है। तो मुफ्ती जी भी हमारे साथ में है, आपका नाम सर? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी, जी आप? मंसूर खान। तो आप यहाँ पर आप भी यहाँ का बिजनेस है आपका यहाँ पर? नहीं, हमारा बिजनेस नहीं है। असल में सर जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग आपने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हम लोग मुंबई से आए हैं, वहाँ की सिचुएशन सिनेरियो कुछ इस तरह है कि जो चीज़ 50 जिसकी वैल्यू थी वो तकरीबन 100 रुपया 150 की हो गई है उसकी वैल्यू, और लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग वाशी मार्केट इसलिए आए ताकि यहाँ से होल सेल में सामान लेकर और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट हमारे मुंबई के अंदर जो पब्लिक है जो प्रॉब्लम्स के अंदर हैं जो जिनकी सिचुएशन सही नहीं है उनको हम दें, और हम लोग हमारी पूरी टीम ये काम कर रही है। तो जैसे अभी मोदी जी ने एक डिसीजन लिया कि कोरोना वायरस जो इतना ज़्यादा फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में तो लॉकडाउन कर दें, तो क्या इससे आप सहमत हैं? देखो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एक जनता ने बड़े से मैं एक पॉलिटिकल लीडर से हूँ, हम उनके अपोजिशन में हैं, लेकिन चूँकि अभी देश की सिचुएशन कुछ इस तरह है हमें सब मिलकर कोरोना वायरस से हमें फाइट करना है, और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है वो जो उन्होंने ऑर्डर हमें दिया है हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और 21 दिन के अगर मोदी जी कुछ और भी आगे बोलेंगे हम उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। देखिए एक अच्छी पहल कि चाहे वो नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जब हमारी जब देश की बात आती है आज जब फाइट अगेंस्ट कोरोना हो रही तो सब मिलके और इस कोरोना से लड़ने का जो जज्बा है लोगों में जो दिखाई दे रहा है, जो पॉलिटिशियन उनमें दिखाई दे रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग 21 दिन तो क्या लोगों का बोलना है कि 21 दिन के ऊपर भी हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। आइए अब हम कुछ व्यापारी से मिलते हैं, जैसा कि उन्होंने भी बताया कि कुछ जगहों पर काला बाजारी हो रही है, तो ऐसी खबर आपको है क्या? नहीं सर, नहीं। तो एपीएमसी मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा? ऐसा कोई नहीं हो रहा है, जो है एकदम रेगुलर चल रहा है वही माल चला रहे, जो अपने पास जूना खरीदी है जूना खरीदी में भाव बिक रहे, ऐसा हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है। हमारे व्यापारी एक गली में कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं, केक का दो ले लो। अच्छा, तो एपीएमसी मार्केट एक थोक मार्केट है, जैसे भाई साहब भी आए हैं और यहाँ से अपने संगठन की तरफ से अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी होलसेल में लेके उनकी पूरी टीम काम कर रही है। हम मुंबई भी जाएंगे और इनसे मिलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या परेशानी हो रही है। तो अभी आप जैसा शांत माहौल दिख रहा है, इससे पहले आपने लाइफ में कभी ऐसा शांत माहौल आपने देखा कभी? नहीं, शांत माहौल तो नहीं देखा, नहीं ऐसा। मेरे कस्टमर भी शांति से ले रहा है, सब कोई से कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पास माल है वो हम दाम से बिक रहे हैं, ऐसा कोई मारी नहीं डबल भाव कर दो ऐसा कर दो ऐसा कस्टमर को नहीं। एक दिन में खा के क्या जिंदगी निकाल देंगे, रोज़ को कस्टमर बनाना है तो क्यों अपन को ज़्यादा करके, जो अपना चल रहा है वो रेगुलर चल रहा है मार्केट में,
तो राज्य सरकार बोल रही है कि खाने पे जो खाने का सामान है उस पर कोई सप्लाई नहीं रुकेगी, तो क्या एपीएमसी में बाहर से माल आ रहा है अभी? बाहर से जो अभी है गाड़ी भरी हो खाली हो रही है, बाहर से अभी तक कोई आया नहीं हो मालूम नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन एपीएमसी में सब गोडाउन भरे हुए हैं, वो इधर से सप्लाई अंदर का अंदर हो रहा है, और बाहर भी फूड आइटम जाने का गवर्नमेंट ने अलाउड किया है जो रिटेल सप्लाई में। तो मतलब मुंबई और न्यू बॉम्बे और बाहर में बाहर अनाज के सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी? और गोडाउन भी भरे हैं, ऐसा कोई शॉर्ट माल नहीं है जो गोडाउन चाहिए, लेकिन क्या है ट्रांसपोर्ट वाले का भी ज़्यादा करके कामगार लोग सब गांव चले गए, इसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये दुकान में 20 आदमी काम पे है, वो जगह पे 3-4 आदमी काम कर रहे, तकलीफ हो रहा है। बाकी सप्लायर का कोई कमी नहीं है, सब गोडाउन भरे हुए, लेकिन गोडाउन वाला सेठ अकेला क्या करेगा, जो गोडाउन माल लोडिंग अनलोडिंग करने वाला नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत आपने देखा कि जो सप्लाई तो हो रही है, लेकिन जो मजदूर हैं जो काम करने वाले हैं वही नहीं है, वो सब गांव चले गए हैं। तो जनरली सब कहां के थे? कहां के, यही आजू बाजू भोर पुन्ना के सब माथाड़ी लोग से, वो सब पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था 21 तारीख, उसके पहले ही वो लोग सब निकल गए हैं गाँव जाने के लिए। अभी ट्रांसपोर्ट सब बंद है आने जाने के लिए, तो आदमी जो फंस गया उधर ही फंस गया है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन कंट्रोल होने में कितना दिन लगेगा? सिचुएशन कंट्रोल होने में कम से कम 10-15-20 दिन और जा सकता है ऐसा रेगुलर होने में मार्केट में। अब बाहर से दूध सप्लाई हो रहा है भाजी मार्केट में, नहीं भाजी नहीं आ रही, पब्लिक तो थोड़ा बहुत परेशान भी है, ऐसी नहीं है। अब जानते हैं हम लोग कि जैसे आपने बताया कि मुंबरा में भी आपका कालाबाजारी हो रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरे शहर में हो रहा है ऐसा? मैं तो सर जहाँ तक मेरी मालूमात और जहाँ तक लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया है, अक्सर यही रिपोर्ट कंप्लेन आ रही है कि लोग उसको प्राइस इंक्रीज करके बेच रहे हैं। यहाँ पे लोग सर इसलिए नहीं बेचेंगे कि होलसेल मार्केट है, इनका टर्नओवर बिजनेस है, और जो रिटेल जो मार्केट होती है उनके ग्राहक बहुत ही कम होते हैं और वो लोग अपनी मार्जिन रख के बेचते हैं। तो जो छोटे छोटे एरिए जैसे कलवा है, मुमरा है, दीवा है, आप तो ज़रूर वहाँ पर आएंगे, तो अगर आप वहाँ मालूम करेंगे तो काला बाजारी कहीं ना कहीं ये हो रही है। और ये इसलिए हो रही है कि जैसे गवर्नमेंट जब एक तरफ कह रही है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वेजिटेबल मिलेगा, दुकान राशन खुलेगी, लेकिन हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपनी जान का खेल कर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हालांकि उनको मालूम है कि अगर टच करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा उनकी जान को भी है, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन साथ साथ में कंप्लेंट ये भी आ रही है कि जहाँ पर उनको स्ट्रिक करना चाहिए वो इतना स्ट्रिक कर दे रहे हैं कि वेजिटेबल की दुकान बंद हो जा रही है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और पब्लिक, जैसे मोदी जी ने कहा कि 21 दिन लॉकडाउन होगा, तो पब्लिक इस तरह बिहेव करके साल भर रहेगा, सारे टूट पड़ रहे हैं। तो दोनों वजह है, ताली दोनों हाथ से बजती है और गलती दोनों तरफ है। ओके, आपका इस विषय में क्या बोल रहा है? हाँ, कालाबाजारी तो हो रही है मुमरा में और काफ़ी जगह पे कालाबाजारी थोड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा कि यहाँ से माल लेके जाके जो नीडी पीपल्स है उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या ये आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने कोई संस्था के थ्रू करने वाले हैं? कोई संस्था नहीं है, और हमारी सर असल में कोई संस्था नहीं है, एज ए इंसानियत ऑन द बेसिक ऑफ ह्यूमैनिटी हम लोग यहाँ से सामान परचेस कर रहे हैं और लोगों को फ्री में तकसीम कर रहे हैं। जब ये रेशियो, जब ब्लैक मार्केटिंग जब हद से बढ़ती है ना सर, जब फ्री में आप करोगे तो जाकर ये लेवल फी जाके मैनेज होगा, अगर हम भी बेचेंगे तो लेवल मैनेज नहीं होगा, तो इसलिए कंट्रोल करेंगे, हम फ्री में लोगों को दान कर रहे हैं सब सामान। एक बहुत अच्छी पहल हमें तो आज हम रिपोर्टिंग करने आए थे कि एपीएमसी मार्केट में सप्लाई हो रही नहीं हो रही है, आज हमने देखा कि कुछ समाज संगठन, कुछ पॉलिटिकल जो यूथ नेता हैं, जो उभरते हुए भी बोल सकते हैं कि एक नेता हैं, आज एक अच्छी पहल कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ से होलसेल मार्केट से सामान ले रहे हैं और जाके अपने मुंबरा अपने क्षेत्रों में बांटेंगे। सर जी, बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं, और आप यदि लगता है कि मुंबरा क्षेत्र में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए, हम वहाँ पहुँचेंगे। मैं सर आपको एक मैसेज देना चाहूँगा आपके न्यूज़ को कि आप असल में डेमोक्रेसी के 5th पिलर और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि जहाँ पर ब्लैक बाजारी हो रही हो, यहाँ पर जहाँ पर क्राइम हो रहा हो, जहाँ पर जुल्म ज्यादती हो रही हो, तो आप वहाँ पर आएँ। मैं तो सर मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी टीम को, आपके चैनल को, आपके कैमरेमैन को, आपको, आप मुझे नहीं जानते, मैं मुंबरा से आया, आप पता नहीं कहाँ, पता नहीं किसको क्या वायरस है, आप में जान को खेल कर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम, आपके कैमरेमैन को सलाम, और पूरी टीम को आपको सलाम करते हैं। थैंक यू भाई।